السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. My name is Sheikh Hamid Alunis of class first. उनेस, आप सीरत के बारे में कुछ जानते हैं बेटा? Yes. आप सीरत के सवालात में करी तो जवाब देंगे उनेस? Yes, इंशाल्लाह. अच्छा ठीक है, पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए आप. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस महीने में हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई. अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल की किस तारीख को हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के 12 तारीख को हुई. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस खानदान से था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान खानदाने कुरैश से था. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सुबह सवेरे हुई या रात में हुई? सुबह सवेरे यानी फजर के वक्त. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ पर हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा में हुई. अच्छा, उन्हें वो मुकाम कहाँ पर है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? वो मकाम सफा पहाड़ के करीब है जहाँ पर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लम को लेकर कहाँ गए? काबतुल्ला. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सातवें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? उनका अकीका और उनका नाम रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, मोहम्मद. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की दुआ किसने की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की दुआ ये हजरत इब्राहिम ने की. माशाल्लाह, उन्हें वाकई फील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दरमियान कितनी मुद्दत गुजरी है? 55 रातें. माशाल्लाह, उन्हें अबू लहब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी किसने दी थी? उनके सुहबा ने दी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात कौन सर के बल गिर गए? काबतुल्लाह में रखे हुए बुत. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त हजरत आमिना को क्या दिखाई देने लगा? ऐसी नूर की रोशनी जिससे मुल्क शाम के महलात दिखाई देने लगे. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सी आग अचानक बुझ गई? जो 1000 साल से भड़क रही थी. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सी आग अचानक बुझ गई? जो 1000 साल से भड़क रही थी. हुजूर सल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला. माशाल्लाह, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माँ के पेट में थे. माशाल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था? बीबी आमिरा. हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक किस खानदान से है? खानदान बनू ज़हरा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस मकाम पर हुआ? मकाम अबुआ. मकाम अबुआ पर हुआ. माशाल्लाह, मकाम अबुआ कहाँ है उनेस? मदीने के करीब. माशाल्लाह, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लम की उम्र शरीफ क्या थी? 6 साल. अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुजूर सल्लम की पैदाइश की रात किसका महल लरज गया? किसरा का महल लरज गया और 14 कमरे गिर गए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सी आग अचानक बुझ गई? जो 1000 साल से भड़क रही थी. हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लम की उम्र शरीफ क्या थी? 6 साल. माशाल्लाह, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लम की परवरिश किसने की? उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का नाम क्या था? उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और उनके दादी का नाम फातिमा बिन्त अम्र बिन अयास था। माशाल्लाह उन्नीस, माशाल्लाह, जजाकल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे माशाल्लाह। और हर बच्चे को, मुसलमान बच्चे को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की तौफीक दे माशाल्लाह उन्नीस, जजाकल्लाह। आमीन।